हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मोदक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मिल्क पाउडर से बनाए हैं और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच देसी घी की। जैसे अच्छे से गर्म होके मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो अभी देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है। देखिए घी अच्छे से मेल्ट है, तो मैं यहाँ पर 1 गिलास दूध का यूज़ कर रही हूँ। और देखिए अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से, ताकि दूध और घी अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच चीनी। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 पिंच ऐड किया है येलो फूड कलर। अगर आपके पास ऑयली फूड कलर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये पाउडर वाला यूज़ किया है और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। और मैंने इसके अंदर अब ऐड कर दिया है 1 कप मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का। और इसे हमें अच्छे से लगातार चलाना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। तो देखिए कंटिन्यूसली मैं इसे चला रही हूँ इस तरीके से। बस इस बात का ही ध्यान रखना है, अगर इसमें लम्स पड़ जाते हैं तो मोदक का टेस्ट अच्छा नहीं आता। बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। बस इस बैटर को बनाते समय इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, और दूसरी बात हमें बैटर को कंटिन्यूसली चलाए जाना है, ताकि इसमें जो लम्स अगर थोड़े बहुत हैं भी वो जल्दी से रिमूव हो जाएँ। तो देखिए मैं कंटिन्यूसली चला रही हूँ और देखिए बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, और पहले से बैटर कितना थिक होना शुरू हो गया है। तो हमें इसे अभी और थिक करना है, तो हम इसे अभी और चलाएंगे। तो इसे बनाने में मुझे 6 से 7 मिनट लगेंगे। बहुत जल्दी से ये मोदक का बैटर बन जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी मोदक बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आता है। तो इस गणेश चतुर्थी आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं मोदक, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेंगे। तो देखिए कितना थिक हो गया है। मैंने गैस की फ्लेम अभी भी मीडियम रखी है, मीडियम आंच पे ही मैं इसे भून रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इसमें थिकनेस आ गई है। बस 2 से 3 मिनट और लगेंगे, मैं फिर गैस की फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़। तो हमें चारों तरफ चलाना है, ताकि कहीं से भी बैटर हमारा लगने ना पाए, वरना मोदक का टेस्ट इससे ख़राब हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट बढ़ाना है तो आप इसमें नारियल का बुरादा 1/2 कप ऐड कर लीजिए। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी कंसिस्टी आ गई है। तो मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑफ़। मैं और इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो देखिए मैंने इसे निकाल लिया है एक बाउल में, और मैंने ये सांचा लिया है मोदक का। तो पहले मैं इसमें लगा देती हूँ देसी घी, थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं, ताकि जब हम मोदक निकालें तो ईजीली इसमें से निकल जाए। तो अब देखिए मैं इसमें ऐसी शेप दूँगी बैटर को, जैसे हम लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से शेप देंगे। और इस सांचे में हम इसे धीरे धीरे ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो मैंने अच्छे से दबा दबा के फिल कर दिया है, ताकि जो सांचे में डिज़ाइन है वो हमारे मोदक में आ जाए। और मैंने थोड़े से काजू को कट करके रखे हुए थे, मैंने वो इसमें ऐड करे हैं, और इसके ऊपर से दोबारा से मोदक का बैटर ऐड किया है। और इसे देखिए कैसे मैं प्रेस कर करके इसमें फिल कर देती हूँ, और आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मोदक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ, बहुत ही ईजी है। बस जैसे हम लड्डू बनाते हैं उसी तरीका के शेप देना है, और सांचे में इसे हम फिल कर देंगे बिल्कुल दबा दबा के। और थोड़े से काजू या जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा बैटर हम फिर इसमें लगाएंगे इस तरीके से, और अच्छे से प्रेस प्रेस कर करके हम ऐड कर देंगे। देखिए हमारा देखिए मोदक ये भी बहुत सुंदर सा बिल्कुल क्यूट सा बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आएगा। ये देखिए तो मैं सारे मोदक ऐसे बना के कर लेती हूँ रेडी, बहुत जल्दी से बन जाता है। 10 मिनट में मैंने ये सारे मोदक बनाकर रेडी कर लिए थे। तो देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। मैंने फिर रेड फूड कलर यूज़ किया है, इसे मैं डेकोरेट कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हो। तो बहुत अच्छे मोदक लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं किसी नई रेसिपी में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।